आनंद नगर हथाई खेड़ा के रहने वाले युवक ने 3.25 लाख के जेवर फाइनेंस कंपनी में 1,90,000 रुपए में गिरवी रखने के बाद खुद के साथ लूट होने की साजिश रच ली। युवक ने लूट की जो कहानी शमशाबाद पुलिस को सुनाई तो पुलिस उसकी बातों पर आसानी से यकीन नहीं किया। हालांकि मामला गंभीर और संदिग्ध था, जिसके बाद पुलिस ने अपने स्तर पर पूरे मामले की जाँच की। जो युवक पहले फरियादी था, अब वही लूट के मामले में आरोपी बन गया। भोपाल के आनंद नगर के रहने वाले गोरेलाल ने शमशाबाद थाने में लूट की सूचना दी थी, जिसमें बताया था कि 21 अप्रैल को वो मोटरसाइकिल से अपने रिश्तेदार के यहाँ संगुल जा रहा था। उसके पास बैग में शादी में देने वाले सोने के 4 चूड़ी हार कुल कीमत करीब 2,70,000 रुपए के आभूषण थे। वहीं नरहाई गांव के पास मोटरसाइकिल सवार दो लोगों ने उसके साथ मारपीट की और उसके सारे जेवर लूट कर ले गए। पुलिस ने इसकी शिकायत को गंभीरता से लेते हुए रिपोर्ट दर्ज की। एसडीओपी लटेरी सुबोध तोमर ने बताया कि एसपी मोनिका शुक्ला के निर्देश के बाद घटनास्थल पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज देखे और आसपास पूछताछ की तो फरियादी पर संदेह हुआ। आगे की जांच में पता चला कि फरियादी की मोबाइल की लोकेशन शमशाबाद बताई, जहां बाद में पता चला कि मोबाइल की दुकान पर फरियादी का मोबाइल रखा हुआ है। कहानी रचने का मामला उजागर हो गया। वहीं पूछताछ में पता चला कि इसने जो जेवर हैं भोपाल में ही बैंक में गिरवी रख दिए थे। करीब 1,90,000 रुपए उसे गिरवी रखने के मिले थे, उसने उधारी चुका दी थी। इसके बाद झूठी कहानी रच डाली, लेकिन उसकी चालाकी काम नहीं आई और पुलिस ने झूठी लूट का पर्दाफाश कर दिया। वहीं फरियादी पर झूठी रिपोर्ट लिखवाने के तहत मामला भी दर्ज कर लिया गया है। ये नहरियाई गाँव के पास एक पुलिया है, वहाँ पर उसको एक मोटरसाइकिल पे दो बदमाश से उन्होंने रोका, मारपीट की और उसका ये सब जेवर वेवर सब छीन लिए। हम लोगों ने घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरे के फुटेज देखे। जो फरियादी था उससे जब बातचीत की तो कुछ वो डाउटफुल लगा, ऐसा लगा कि ये इसके बताने के तरीके से डाउटफुल है, तो पूरी ही झूठी रिपोर्ट है। इसके पास जो जेवर थे वो इसने मुथूट फाइनेंस में भोपाल में ही गिरवी रख दिए थे और उससे उसको जो 1,90,000 रुपये मिले थे वो रुपए उसने प्राप्त किए थे और उससे अपनी कुछ उधारी उसने चुका दी थी। उसके बाद उसने इस रिपोर्ट को अंजाम दिया और ये जाहिर करने का प्रयास किया कि उसके जेवरात वगैरह सब चोरी चले गए, किंतु उसकी चालाकी काम नहीं आई। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया, उसने झूठी रिपोर्ट की, झूठी रिपोर्ट करने के कारण उसको गिरफ्तार किया गया इस प्रकरण। राजवाटिका विवाह घर सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत, राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।